स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस नए वीडियो के सीरीज में। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे गूगल सर्च रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी ट्रिक्स के बारे में। मैं आपको इस सीरीज में आपको मास्टर करा देने वाला हूँ गूगल सर्च के बारे में। जैसे कि आप कोई कुछ भी अगर आप गूगल सर्च पे चाहते हो, जैसे आप मूवी डाउनलोड करना चाहते हो कोई, तो आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे उस मूवी का नाम, तो उसमें आपको कई सारी वेबसाइट्स आती हैं जिसमें आप क्लिक करोगे तो आपको क्लिकबेट हो जाएगा और उसमें आपको कुछ मिलता नहीं है उस वेबसाइट पे। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको चाहिए एग्जैक्ट आपको वही गूगल सर्च देगा। इसके अलावा कुछ भी फालतू आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, इससे आपका समय और नेट दोनों ही यहाँ पर बचने वाला है। तो इस सीरीज को दोस्तों आप एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें काफ़ी सारे वीडियो जाने वाली है, ये पार्ट बाई पार्ट ये वीडियो बनने वाला है, क्योंकि अगर एक वीडियो में मैं सारा कुछ यहाँ बताने लगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और फिर कोई ये वीडियो देखेगा नहीं, इसलिए मैं इसको कई पार्ट में इसको तोड़ के इसको बनाने वाला हूँ। तो इस सीरीज को कम्प्लीट आप देखिएगा, इसके बाद दोस्तों आप गूगल के एक सर्च का जो कह सकते हो कि आप इसको मास्टरी कर लोगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपको इस वीडियो में आपको जो भी यहाँ टिप्स बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा जो बिगिनर लेवल का हो सकता है, लेकिन जो आगे मेरे पार्ट्स आने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी सारे एडवांस लेवल के यहाँ पर ट्रिक्स और जो सर्च के जो अलग अलग तरीके होते हैं जो कि यहाँ पर गूगल खुद ही सबको बताता है, जो डेवलपर्स उनके हैं वो बताते हैं, वही सबको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला ट्रिक है वो दोस्तों क्विक कैलकुलेशन से रिलेटेड। अगर आप कोई क्विक कैलकुलेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर को यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट अपने गूगल पर जा सकते हो और वहाँ पर वो क्विक कैलकुलेशन को डालते हो और वो ऑटोमेटिक आपको सर्च करने से पहले ही रिजल्ट दे देगा। जैसे कि मैं अपने जाता हूँ अपने गूगल पर, और आप अपने फ़ोन पर हैं तो आप इसको फ़ोन पर भी अप्लाई कर सकते हो, और मैं यहाँ पर जस्ट कोई नंबर लिखूँगा और इसमें कुछ ऐड करूँगा और यहाँ पर मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कैलकुलेटर आ गया और यहाँ पर आपको मेरा जो रिजल्ट है वो हो गया। अरे यही प्लस माइनस जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, और अगर आप इसको फ़ोन पे यूज़ करते हो तो ये आपको दोस्तों सर्च करने से पहले ही ये जो आंसर है वो मिल जाता है। एंड अगर दोस्तों आप कहीं रेस्टोरेंट या होटल में गए हो खाना खाने और वहाँ पर आपको टिप देना है, तो अगर आप टिप कैलकुलेट करना चाहते हो कि आपको कितने परसेंट के हिसाब से क्या कितना देना है, तो आप सिंपली आप गूगल पर जाकर ये भी कर सकते हो। सिंपली आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है टिप कैलकुलेटर, एंड उसके बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको अपना बिल का अमाउंट डालना है, कितना है, कितना परसेंट टिप देना है और कितने परसेंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा देना है। एंड अभी जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ये दोस्तों स्टूडेंट के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अगर आप कोई अपने स्टडी मटेरियल यहाँ पर गूगल से डाउनलोड करने जाते हो तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पर दिक्कत होती है। कई सारे अलग अलग तरह के वेबसाइट खुल जाते हैं जिसमें आपको जो चाहिए वो मिल नहीं पाता, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ इससे आपको जो चाहिए आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा। आपको ये गूगल पर सर्च करने का एक ट्रिक है बस, कि आप किस तरह से सर्च करते हो कि आपको जो चाहिए एग्जैक्टली आपको वही मिले। तो जैसे आपको चाहिए, जैसे आप कोडिंग वगैरह करते हो तो DSA का आपको सीट चाहिए, DSA का नोट चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सर्च करके, इंडेक्स कॉलम और इसके बाद डबल कोटेशन मार्क और फिर से लिख देना आपको इंडेक्स ऑफ, एंड आपको फिर से डबल कोटेशन मार्क देना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर वो चीज़ डालना जो आपको चाहिए। जैसे आपको DSA का नोट चाहिए तो DSA का डालना है, जावा का नोट चाहिए तो जावा का, पाइथन का चाहिए तो पाइथन का, तो मैं जैसे यहाँ पर DSA डालता हूँ एंड इसके बाद अगेन डबल कोटेशन, और यहाँ पर मैं इतना करने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा कि मुझे DSA का एक PDF चाहिए जिसमें सारा कुछ अवेलेबल हो, तो मैं यहाँ पर करूँगा फाइल टाइप कॉलन एंड अगेन यहाँ पर PDF। इतना दोस्तों यहाँ पर लिखने के बाद मेरा काम हो जाता है। अब मैं सर्च करूँगा तो मेरे जो पास फाइल्स आएंगे, जो मेरे पास सर्च रिजल्ट आएगा उसमें आपको सिर्फ DSA के मेरा PDF ही मिलेगा, और वो भी कई सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से जो अपलोड किया गया उन्होंने अपने वेबसाइट पर, वो सारे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी सर्च रिजल्ट जो आए हैं यहाँ पर सारे यहाँ पर DSA के हैं, और सारे यहाँ पर आप देख सकते हो PDF फॉर्मेट में, आप यहाँ पर देख सकते हो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स माउंट एलिसन यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का है, डेटा स्ट्रक्चर्स का PDF। आप चाहो तो सिंपली इन पर एक क्लिक करोगे और ये आपके कंप्यूटर पे मोबाइल में आपके ये डाउनलोड हो जाएंगे, और इस तरह से आप कोई भी यहाँ पर PDF को ओपन कर सकते हो। और इस जो मैंने आपको सर्च करने का तरीका बताया है, इस तरीके से दोस्तों आप सिर्फ PDF ही नहीं, कोई और फाइल है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि आप कोई गेम वगैरह का IP का डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आपको इंडेक्स ऑफ के बाद जहाँ पर अपने DSA लिखा है वहाँ पर आपका गेम का नाम लिखना है और फाइल टाइप में आपको APK डाल देना है, उसके बाद आप उस गेम के APK वर्जन को डाउनलोड कर पाओगे। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, एंड आप मुझे दोस्तों कमेंट्स में बताना कि मैं आपको जो भी यहाँ पर ट्रिक्स बता रहा हूँ उनमें से आपको कोई पहले से पता था या नहीं, और जो भी पता था उसका कमेंट्स में नाम जरूर लिख देना एक बार, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना पता है और मैं उसके हिसाब से आपको और भी जो अच्छे अच्छे ट्रिक्स है वो बता सकूँ जो कि आपको नहीं मालूम है। तो एक बार जरूर कमेंट बताइएगा अगर आपको कोई भी ट्रिक इनमें से पता है। तो अगेन दोस्तों ये जो ट्रिक है ये भी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है,
आप स्टडी के लिए कोई भी अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह या फिर कोई इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना चाहते हो आपसे नहीं हो रहा है तो सिंपली आप उसको गूगल पर जाकर टाइप कर सकते हो और आपको गूगल आपका उस इक्वेशन का सोल्यूशन दे देगा। जैसे कि मुझे कुछ चाहिए, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ पर ग्राफ चाहिए टैन एक्स का, एंड यहाँ पर मैं सर्च करूँगा और मुझे गूगल यहाँ पर अपना एक टैन एक्स का यहाँ पर ग्राफ जो यहाँ पर बना के दे देगा कि किस तरह से ग्राफ होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर गूगल यहाँ पर मुझे ग्राफ दे दिया टैन एक्स का। इसी तरह से मैं किसी और चीज़ का भी यहाँ पर ले सकता हूँ ग्राफ, जैसे मैं इसको साइन कर देता हूँ। आई होप आपको पता होगा साइन एक्स टैन एक्स और कॉसेक इस तरह के जो भी यहाँ पर हमारे ग्राफ्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होगा, तब आप इसको बेटर समझ पाओगे। तो देखिए हमारा जो साइन का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से जाता है। इसी तरह से अगर आप कोई इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो या फिर कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम का, तो उसको भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एरिया ऑफ, अब जैसे मैं इसको सर्च करूँगा यहाँ पर मुझे जो रेडियस 5 का जो सर्कल है उसका एरिया मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देख सकते हो उसका सोल्यूशन और क्या फॉर्मूला है, क्या कौन से स्टेप फॉलो हुए हैं, सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगा, सारा कुछ यहीं पर आप इसका रेडियस को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और वो ऑटोमेटिकली आपका सारा कुछ करते जाएगा। तो अगर इस कोई छोटे मोटे आपको सोल्यूशन है जो आप चाहते हो तो सिंपली आप गूगल पर सर्च करके उसको फाइंड कर सकते हो। एंड अगर आप कभी दोस्तों यहाँ पर अपने कोई यूनिट्स को चेंज करना चाहते हो किसी अदर यूनिट में, तो उसके लिए भी आप दोस्तों गूगल को यूज कर सकते हो। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर में आपको काफ़ी ज़्यादा जो कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको सिंपल यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप कर सकते हो। सिंपली आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर लिख लेना है यूनिट कन्वर्टर, एंड इसके बाद इसको सर्च कर लेना है और यहाँ पर आपको जो भी यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है, लेंथ करना है आपको, एरिया करना है या फिर डिजिटल स्टोरेज एनर्जी फ्रिक्वेंसी, आपको काफ़ी सारे टाइप्स यहाँ पर जो मिल जाएंगे यूनिट्स उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको उसमें भी पैरामीटर्स को सिलेक्ट कर लेना है कि किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर जो भी है और किस में आपको चेंज करना है। और उसके बाद आपको जो भी आप वैल्यू को पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपका चेंज हो जाएगा, आपका वैल्यू मिल जाएगा जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे मैं आपको एक बार एरिया को चेंज करके दिखाता हूँ। एरिया लेंगे एंड स्क्वायर मीटर को हम ले लेंगे यहाँ पर स्क्वायर एक एकड़ में चलिए ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं डालूँगा यहाँ पर 1000 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया। अच्छा ओके, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ इसको मैं चेंज करके देखता हूँ 1 एकड़ और 4446 स्क्वायर मीटर का हमारा 1 एकड़ होता है। इस तरह से दोस्तों आप अगर कोई यूनिट को कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप वो भी सिंपल तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। तो अब दोस्तों अगर आप किसी दूसरे कंट्री के करेंसी को अपने करेंसी के हिसाब से यहाँ पर चेंज करना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो कि कितना वैल्यू होता है, कोई भी करेंसी हो किसी भी कंट्री का हो उसको आप देखना चाहते हो, तो सिंपली आप क्या करोगे गूगल पर जाओगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है करेंसी कन्वर्टर। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जल्दी से करेंसी कन्वर्टर और यहाँ पर आपको वो जो चेंज करना है जिसमें आपको वो सिलेक्ट करना है और जिससे चेंज करना है वो सिलेक्ट करना है। एंड इस वीडियो के लिए दोस्तों लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आप किसी स्टॉक के प्राइस के यहाँ पर लाइव देखना चाहते हो तो गूगल में आप सिंपली कर सकते हो। आपको किसी भी ब्रोकर ऐप के पास नहीं जाना है, सिंपली आपको क्या करना है कि उस स्टॉक का जो टिकर कोड होता है उसको आपको डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ अमेजोन का AMZN और मुझे उसका लाइव यहाँ पर चार्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू चल रही है उसके स्टॉक की, यहाँ पर शो कर देगा। इसी तरह से मैं कोई और कंपनी के देखना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर NFLX डालूँगा, ये नेटफ्लिक्स का कोड है और सॉरी यहाँ पर एक एप छूट गया NFLX और हमारा नेटफ्लिक्स का क्या करंटली प्राइस चल रहा है स्टॉक का वहाँ पर आप वॉच कर सकते हो। और यहाँ पर ये चेंजेस होते रहते हैं अगर मार्केट ओपन हुआ तो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने पे क्लोजिंग हुआ, रैंकिंग हुआ, सारा कुछ दिखाया जाता है। इसके साइड में आपको रिलेटेड स्टॉक से उनके भी जो शेयर की वैल्यू आपस पता चलते रहता है। तो इस तरह से दोस्तों आप स्टॉक प्राइस को भी यहाँ पर गूगल के मदद से हमेशा इसको वॉच कर सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। आपको मैंने जो भी यहाँ पर इस वीडियो में टिप्स बताए वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, कई सारे मैंने आपको ऐसे टिप्स बताए जो आपको शायद हो सकते हैं पहले से ना पता हो, और खासकर मैंने जो स्टूडेंट्स के लिए जो टिप्स बताए वो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्टूडेंट लाइफ में। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मैंने आपको इस वीडियो में जो भी बताया जस्ट आप मान लो कि एक सैम्पल टॉपिक की तरह है। आपको इससे भी कई ज़्यादा एडवांस चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले जो इसके सीरीज है इस वीडियो के पार्ट्स होंगे उसमें बताने वाला हूँ। इसमें आपको काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पर सर्च ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप एडवांस जो सर्च कर सकते हो वो आप कर सकते हो गूगल पे। तो ये वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह के और वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में।